मौसम समाचार में आपका स्वागत है। मौसम की लेटेस्ट खबर पाने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें यूएमबी न्यूज को। और किस जिले की मौसम जानकारी आप जानना चाहते हैं, हमको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए देखते हैं कैसा रहेगा प्रदेश के मौसम का हाल। दिल्ली यूपी समेत इन 10 राज्यों में बारिश के आसार। उत्तराखंड में रेड अलर्ट। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में गुरुवार को भारी बारिश के मद्देनजर टिहरी, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिले में रेड अलर्ट जारी किया है। साथ ही उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा में येलो अलर्ट जारी हुआ। दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई राज्यों में बीते 24 घंटों में हुई बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से काफी हद तक राहत मिली है। हालांकि पहाड़ी राज्यों में बारिश की वजह से समस्याओं का भी सामना करना पड़ा है। इसी बीच मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत, उत्तराखंड, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, कोंकण और गोवा में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। जबकि ओडिशा, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक या दो जगहों पर भारी बारिश होने की आशंका है। इसके अलावा दक्षिण भारत, महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश में छिटपुट बारिश हो सकती है। यूपी के इन जिलों में बारिश का अलर्ट। बिजनौर, मुरादाबाद, उन्नाव, कानपुर नगर, कानपुर देहात, फतेहपुर, रायबरेली, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, अमेठी, प्रयागराज, जौनपुर, संत रविदास नगर, वाराणसी, मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र में अलग स्थानों पर बारिश हो सकती है। जबकि सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, अमरोहा, संभल, बदायूं, फरुखाबाद, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर में कुछ स्थानों में और शामली, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, कासगंज, मैनपुरी, कन्नौज, औरैया, कानपुर नगर, कानपुर देहात, जालौन में एक दो स्थानों पर बारिश हो सकती है। इन जनपदों में भारी से भारी बारिश। जयपुर भी, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाजापुर, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, बाराबंकी, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, अयोध्या, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, बस्ती, बलरामपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, आजमगढ़, गोरखपुर, महाराजगंज, गाजीपुर, मऊ, देवरिया, कुशीनगर, बलिया में लगभग सभी स्थानों पर बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर और देवरिया में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। एमपी मौसम विभाग के मुताबिक आज कई जिलों में बूंदाबांदी और हल्की बारिश होने के आसार हैं। इसमें शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर कला, सिंगरौली, सीधी, रीवा, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, सिवनी, मंडला, दमोह, उज्जैन और छतरपुर जिले शामिल हैं। राजस्थान में मौसम विभाग ने जिस प्रकार से अलर्ट जारी किया था उसी प्रकार कुछ शहरों में बरसात देखने को मिली। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में एक सिस्टम एक्टिव हुआ है जिसके कारण अब बारिश की गतिविधियां आज से कम होती नजर आ रही हैं। पिछले 24 घंटों की बात करें तो भरतपुर, धौलपुर, दौसा, करौली और अलवर जिलों में कहीं कहीं भारी और शेष अधिकांश भागों में कमजोर मॉनसून गतिविधियां दर्ज की गई। इन जिलों में मध्यम से तेज बारिश बुधवार को दर्ज की गई। हालांकि बादल कुछ समय तक बरसे लेकिन फिर भी सड़कें लबालब पानी से भर गयी। बिहार के इन जिलों में आज हो सकती है बारिश। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले 3 दिन भारी बारिश की स्थिति बने रहने की संभावना है। 27 अगस्त के बाद से मॉनसून की सक्रियता में कमी देखने को मिलेगी। पश्चिमी चंपारण, शिवहर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल और पूर्णिया जिले में आज बारिश हो सकती है। रांची मौसम केंद्र के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य में मॉनसून पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है और आने वाले 4 से 5 दिनों में अच्छी खासी बारिश होने की संभावना है। फिलहाल मॉनसून ट्रफ लाइन फिरोजपुर, अम्बाला, बरेली, पटना, बालूघाट, पूर्व दक्षिण से होते हुए मिजोरम तक बना हुआ है। अब यह धीरे धीरे शिफ्ट होकर झारखंड की तरफ आ रहा है। यह बारिश इसी का असर है। आने वाले 1-2 दिनों में मॉनसून ट्रफ पूरी तरह से झारखंड के बीचों बीच से होकर गुजरेगा जिससे राज्य में अच्छी खासी बारिश का अनुमान है। मौसम की हर लेटेस्ट खबर पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें यूएमबी न्यूज। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।